प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते थे जो शब्दशः सत्य नहीं हो सकते थे, यानी जो उनमें लिखा जाता था आवश्यकता नहीं कि वो सारा का सारा सत्य हो, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें ये जानकारी प्रदान करती है कि शासक अपने आप को क्या दर्शाना चाहता है, जैसे सूरवीर विजय योद्धा के रूप में। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची जाती थी जो प्रशासन में मदद करते थे। नागभट्ट की उपलब्धियाँ। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपने उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक जो गुप्त वंश का महान शासक था समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसके द्वारा रची गई थी? हरिसेन द्वारा, जो उसके दरबार का विद्वान व्यक्ति था। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर में पाई गई प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। आंध्र सैंधव यानी सिंध प्रदेश, विदर्भ यानी महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग यानी उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए थे जब वह राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया था। उन्होंने वंग यानी बंगाल का एक हिस्सा, अनर्थ गुजरात का एक हिस्सा, मालवा यानी मध्य प्रदेश का एक हिस्सा, किरात यानी वनवासी, तुर्क वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य हैं, राजाओं को पराजित किया था। आपके इस पेज पर एक साइड में बॉक्स दिया गया है, उसमें आपके एक प्रश्न दिया गया है और चित्र दो के बारे में कुछ जानकारी प्रदान की गई है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। इस अभिलेख में उल्लेखित इलाकों में से कुछ को मानचित्र एक में ढूंढने की कोशिश करें। दूसरे राजाओं ने भी इसी तरह के दावे किए थे। आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे? यहाँ पर इस अभिलेख में जो इलाके दिए गए हैं, जो भी स्थान दिए गए हैं, क्या आप मानचित्र एक में उनको ढूंढ सकते हैं या पहचान सकते हैं? तो हाँ, हम उनको ढूंढ सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। जैसे आप बंगाल को पहचान सकते हो, गुजरात को आप जानते हो, मध्य प्रदेश को आप जानते हो, तो हम उनकी पहचान मानचित्र एक में कर सकते हैं। दूसरे राजाओं ने भी इस तरह के दावे किए थे। क्या आपके विचार में ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे? तो वे अपने आप को यह दर्शाना चाहते थे कि वह सूरवीर हैं, विजय योद्धा हैं, उन्होंने कौन कौन से राज्यों को जीता और कहाँ तक उनके साम्राज्य विस्तार था, वो उसके बारे में जानकारी प्रदान करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसे दावे किए होंगे। चित्र दो को ध्यानपूर्वक देखिए। यह थोड़ा संस्कृत और तमिल में लिखा हुआ है। जो ये लिखा ताम्रपत्र है, जिसमें इसमें जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? संस्कृत और तमिल दोनों ही हैं। यह संस्कृत और तमिल में दोनों में लिखा गया ताम्रपत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उस पर राजसी मोहर लगी हुई है, यानी ये ताम्रपत्र जिस कड़ी से जुड़े हुए हैं उस पर कौन सी मोहर लगी हुई है? राजसी मोहर लगी हुई है, जो ये बतलाने के लिए है कि यह एक प्रामाणिक दस्तावेज है। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ताम्र का अर्थ होता है तांबे। भूमि के साथ साथ क्या क्या दिया जाता था उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यह चोलों द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर यह चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलों उद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागृह, एक गांव, बाबी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे ये भूमि मिलती है वह इससे
कर वसूल कर सकता है, यानी जिसको भी ये भूमि प्रदान की गई है वह इस भूमि से वसूले जाने वाले कर को प्राप्त कर सकता है। वह न्याय अधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है, पान के पत्तों पर लगने वाला कर वसूल कर सकता है, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर प्राप्त कर सकता है, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर भी वसूल कर सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है और ज़रूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बनाइए और विचार विमर्श कीजिए कि इनका कैसे इस्तेमाल होगा। इस लेख में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं, सिंचाई के कई साधन हो सकते हैं, जैसे है कुएं से आप कुएं द्वारा सिंचाई कर सकते हो, तालाब द्वारा, झीलों द्वारा, नहरों द्वारा सिंचाई की संभावना होती है। 12वीं शताब्दी में एक वृत्त संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्याण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्याण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों और प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। उसने अपना वृत्तांत लिखने के लिए किन स्रोतों का इस्तेमाल किया? शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों। प्रत्यक्षदर्शियों यानी जिन्होंने सामने से उसको देखा हो, और पहले के इतिहास स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखक से यह भिन्न अक्सर प्रशासकों और उनके नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसीलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ है। कल्याण ने इस वृत्तांत में राजाओं की प्रशंसा के साथ साथ उनकी बुराइयों को भी दर्शाया है, उनकी आलोचना भी की है, तो इसीलिए 12वीं सदी का यह एक असाधारण ग्रंथ कहलाता है। धन के लिए युद्ध। आपने ये गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वह पूरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र गंगा घाटी के कन्नौज नगर, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में तीन पक्ष थे, इसीलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। ये तीनों पक्ष किस नगर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे? गंगा घाटी के कन्नौज नगर के लिए। ये तीन पक्ष थे या तीन वंश थे, इसीलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है।